सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं रंकआउट का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मी 10T प्रो को, जो कि 5G वर्जन है और इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो इसे चलिए अनबॉक्स करते हैं और मैं इसके फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में आपको बताऊँगा और मैं बताऊँगा कि मुझे ये मतलब कैसा डिवाइस लगा, और उसके बाद मैं बताऊँगा मुझे इसके कौन कौन से फीचर पसंद आए और मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि नहीं इस प्राइस रेंज में। 40,000 के अराउंड इसका MRP है फ्लिपकार्ट पे, तो इसे आप बाई कर सकते हैं कि नहीं 40,000 में, वो भी मैं बताऊँगा। और क्या प्राइस बेस्ट प्राइस रहेगा इसे बाई करने के लिए, वो भी बताऊँगा। और मुझे इसमें बेस्ट फीचर्स क्या क्या लगे वो भी मैं बताऊँगा। तो पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं, उसके बाद मैं आपके इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा, अपने फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में बताऊँगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं।
तो चलिए बात करते हैं मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में कि मुझे कैसा ये लगा ये डिवाइस पहले, मतलब अनबॉक्स करने के बाद में मुझे क्या फीलिंग आई। तो सबसे पहले तो ये आपको बहुत ही बड़ा कैमरा बम देखने को मिलता है। तो क्या होता है उससे कि आप जब इसे कोई मतलब फ्लैट सर्विस पे रखोगे तो बहुत ही वॉबल करता है, देख सकते हैं आप। तो ये एक प्रॉब्लम है इसकी। और हाँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम बिल्ड है। आगे भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, पीछे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। तो ग्लास सैंडविच डिज़ाइन है, बहुत ही प्रीमियम फील होता है। और साइड में रेलिंग आपको मेटल की दी गई है। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे साइड में पावर बटन के साथ ही आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट। और ऊपर में आईआर ब्लास्टर भी आपको देखने को मिलता है। नीचे डबल सिम ट्रे है, लेकिन आप ये माइक्रो एसडी कार्ड इसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप। तो 128 GB आप अगर वेरिएंट लेते हो तो मुझे नहीं लगता है आपको ज़रूरत पड़ेगा। और फ्रंट में अगर बात करूँ तो कैमरा वही पंच होल डिस्प्ले। और इसके अगर रिफ्रेश रेट की अगर बात करूँ तो आपको इसमें 144 Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट का। तो वो बहुत ही अच्छा फ्लूइड आपको एक्सपीरियंस देगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं 144 Hz और 90 और 60 Hz का। तो अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो आप 60 या 90 पे डाल के भी चला सकते हो। लेकिन इसकी बैटरी साइज़ 5000 mAh की है, तो बहुत ही सफिशियंट है वो। और आपको इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। और मैंने अभी रिकॉर्डिंग तो या कुछ किया नहीं है इससे अभी, या फ़ोटो नहीं खींचे अभी। अगर फ़ोटो खींचेंगे तो मैं उसका भी रिव्यू एक डाल दूंगा कि इसका कैमरा कैसा है, मुझे कैसा लगा। और आपको इसमें स्नैपड्रैगन 865 लेटेस्ट चिपसेट मिलता है क्वालकॉम के द्वारा, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो फ्यूचर प्रूफिंग अगर आपको करनी है तो अच्छा एक ऑप्शन है ये आपके लिए। मिरर फिनिश पीछे दिया हुआ है, तो बहुत ही फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। इसके साथ जो केस दिया जाता है ये काफ़ी अच्छा है। और इसके फिट भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब आपको प्रोटेक्शन दे देगा तो सही है। बस बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन हाँ आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा फ़ोन है, बल्की है, चंकी है। और आपको ये जो क्या बोलते हैं कैमरा बम्प है वो थोड़ा बड़ा है। तो पीछे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है। और दूसरा तीसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का है, जो कि मैक्रो लेंस। तो मैक्रो शॉट्स भी आप इससे ले सकते हो। तो बहुत लोगों को वाइड एंगल कैमरा पसंद आता है या टेलीफोटो लेंस पसंद आता है, लेकिन ठीक है मैक्रो कैमरा भी ठीक है। अगर मैक्रो शॉट्स आप लेते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो यही थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। खास करके इसका डिस्प्ले, मतलब बोल रहे थे लोग कि LCD डिस्प्ले तो बेकार होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन से कंपेयर किया इसे, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट LCDs इन द मार्केट आप बोल सकते हो उसे। तो वो बहुत अच्छा लगा। मैंने AMOLED से भी कंपेयर किया, OnePlus 7T Pro से मैंने इसे कंपेयर किया। तो हाँ, डीप ब्लैक्स उतने तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी कलर्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे देखने को इसके इसमें। और आप ये नहीं समझिए कि वो जो नॉर्मल मिड रेंज या उससे नीचे के जो डिवाइसेस में मिलते हैं बजट डिवाइसेस में, वैसा इसमें LCD नहीं है, उससे बेटर है। और 144 Hz का डिस्प्ले आपको ये रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। गेमिंग अगर आप करते हो, हाई रिफ्रेश रेट वाले गेम खेलते हो, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि 865 प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का। तो कोई भी गेमिंग में इश्यूज़ आपको नहीं आएगी। और ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन थे। मैं इसको कुछ दिन तक यूज़ करके फिर आपको फाइनल रिव्यूज़ बताऊँगा कि 40,000 जो प्राइस इसका रेंज है उसको ये जस्टिफाई करता है कि नहीं, आप इसके अलावा और कौन से डिवाइसेस प्रेफर कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादातर चांस है कि मैं इसी स्मार्टफोन का रिव्यू लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर देखना है तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।